डियर स्टूडेंट, अब हम लेके चलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस को। कौन कौन सी सिक्योरिटी चैलेंजेस हमें आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को एक्सेस करते वक्त। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे डीडॉस और डीडॉस अटैक्स को। जो डीडॉस अटैक होता है, दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, ये क्या करता है आपके प्रोग्राम को या आपके वेबसाइट सर्वर पे अटैक करके कंप्लीट वेबसाइट को बदल देता है या हैंग कर देता है। मीन्स आपके प्रोग्राम्स को कुछ देर के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए हैंग कर देता है। सो दैट इज डायरेक्टली इफेक्ट टू योर वेबसाइट और प्रोग्राम। सो यह हमारे वेबसाइट को या हमारे ये प्रोग्राम की तरह इफेक्ट करके कुछ घंटों के लिए उसको या तो रोक देता है और बदल देता है। सो दैट द सर्विस से हम बचाते हैं, तो हमें डीडॉस अटैक से प्रिवेंट करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डेटा ब्रिचेस की। डेटा ब्रिचेस जो है वो बेसिकली क्या होता है, जो आपके वल्नरेबल्स होते हैं वो अटैक करते हैं या फिर आपके जो प्रोग्राम है उसमें बीच में इंटरप्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे इम्पॉर्टेंट डेटा है सच लाइक जैसे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई, हमारा हेल्थ है, इंश्योरेंस है, पर्सनल है या दूसरे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उनको चुरा करके उनको कहीं और या अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना। सो दैट इज योर या अनऑथराइज यूजर कहलाएंगे। सो डेटा ब्रिचेस क्या करता है कि ये आपके डेटा को चुरा के या जो सेंसिटिव डेटा होता है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करता है। फिर आता है हमारा सिस्टम वल्नरेबिलिटी। सिस्टम वल्नरेबिलिटी का मतलब आपके जो ब्रिचेस में होता है उस तरह से ये क्या करता है कि आपके इसमें बीच में इंटरप्ट किया, आपके प्रोग्राम्स में उस प्रोग्राम में इंटरप्ट करके सिस्टम को उसने बदल दिया और फिर जो बैड एक्टर्स हैं या फिर जो गलत तरीके हैं उसको उसने गलत तरीके से क्या किया, एक्सेस किया, और जो हमारा सेंसिटिव डेटा था उस इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया, स्टोल किया ना, चुरा लिया या उसको क्रैश कर दिया उस सर्विसेज को, उस ऑपरेशंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अकाउंट्स की। अकाउंट और सर्विस हाईजैकिंग्स की, मतलब या हमारे जो सर्विसेज हैं, अकाउंट्स हैं या पासवर्ड जो है आपका, उसका हाईजैक हो जाना, मतलब चुरा लेना। सो आपका अगर पासवर्ड किसी और के हाथ में लग होता है तो आपके जो डेटा होता है उसका मिसयूज होता है। सो इसमें अकाउंट की सर्विसेज को हाईजैक कर लेना यूजिंग द स्टोलन ऑफ योर पासवर्ड, यानी आपके पासवर्ड को चुरा करके आपके अकाउंट को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना और उसको उसके जो की जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं या हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको बदल देना। और जैसे हमारे कुछ फ्रॉड्स होते हैं जैसे कि फिशिंग्स हो गए या हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इस टाइप के जो अटैक्स हैं ये इसमें ही पासवर्ड अनऑथराइज पासवर्ड यानी पासवर्ड को हैक करना इसमें ही आता है। फिर हम बात करते हैं डेटा लॉस की। जो डेटा लॉस अगर होता है तो सेम जो क्लाउड में जो इंटरेक्ट करता है, क्योंकि क्लाउड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ योर रिस्की, क्योंकि क्लाउड जो होता है आपका जो डेटा होता है दैट इज़ अ मल्टी टेनेंट, और आपके क्लाउड में क्या होता है कि और दो यानी कि आप सर्विस प्रोवाइडर थर्ड पार्टी की तरह काम कर होता है। सो उसमें जो डेटा अनऑथराइज पार्टीज होती हैं ये डेटा को एक्सेस करती हैं या और आपके डेटा को डिलीट करती हैं या अल्टर करती हैं यूजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम बात करते हैं शेयर टेक्नोलॉजीज को। शेयर टेक्नोलॉजीज वल्नरेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो सर्विसेज डिलीवर करते हैं किसके थ्रू, बाय द शेयरिंग ऑफ द एप्लीकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इंफ्रास्ट्रक्चर या उसका जो एप्लीकेशन है उसको शेयर करते हैं, उसकी उसमें क्या होता है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई और यानी किसी और के थ्रू, यानी क्योंकि हमारा जैसे टेक्नोलॉजी है सर्विसेज वो ऑफर करता है, तो इसमें जो मल्टी टैलेंटेड हुआ, मतलब मल्टी टैलेंट की बात, तो सर्विसेज आ गई वो किसकी है, कौन है उसकी, किसकी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं। सो दैट इज योर द शेयर टेक्नोलॉजी कि हमने कौन सी लिया है, कौन उसको यूज कर रहा है, हु इज योर द मल्टी सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि मल्टी टैलेंट में आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है इसको भी देखते हैं। सो हमने जो सिक्योरिटी चैलेंजेस में पढ़ा है वो पढ़ा है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड वल्नरेबिलिटीज। फिर हमने पढ़ा है डेटा लॉस कि किस तरह से आपका डेटा लॉस होगा या आपके रिकॉर्ड्स को कीप कैसे किया जाएगा या आपके रिकॉर्ड को या आपके डेटा को अल्टर कर देंगे या फिर आपके रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देना। फिर हमने पढ़ा है अकाउंट की सेंसिटिविटी, यानी क्योंकि हमारा अगर पासवर्ड हाईजैक होता है या पासवर्ड आपका स्टोलन होता है उस केस में क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो हमारे डेटा को बदल दिया जाता है।
हम बात करते हैं सिस्टम वल्नरेबिलिटीज की। सिस्टम वल्नरेबिलिटीज में जो ब्रिचेस होते हैं हमारे सिस्टम में, वो हमारे डेटा को क्या करते हैं, क्रैश करते हैं, बीच में इंटरप्ट करके आपके सर्विसेज ऑपरेशंस को चेंज कर देते हैं। तो हमने डेटा ब्रिचेस की बात की, जिसमें आपके डेटा को चुरा लेना और आपका जो इन्फॉर्मेशन है या उसका स्टोर्ड है या आपका यूजर है उसको अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करना, जो आपका सेंसिटिव डेटा होता है उसको। फिर हम बात करते हैं अपने डीडॉस अटैक्स के। डीडॉस अटैक क्या करता है, वो आपके वेबसाइट में या एज इंट्रूडर आपके वेबसाइट में अटैक करता है और उस वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए या कुछ दिनों के लिए क्या कर देता है, वो हैंग कर देता है या बदल देता है उस इंफॉर्मेशन को। थैंक यू।